बताओ ऐसा कौन सा काम है जो आप मर्द कर सकते हम औरतें नहीं? आप बताओ कमेंट्स में क्या कर सकते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल एक आप ये कर सकती हैं। मोमेंट है भाई मोमेंट। ये गरबा करते टाइम है। गार्डन गार्डन बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। पतंग से लड़ गई कुड़ी पतंग से लड़ गई नशे से चढ़ गई। ये कुर्सी कहाँ डाल रखा उसने? सब ठीक है। ये थोड़ा दूर करें, इसको एक मिनट दूर करें। आप इतना घबरा क्यों रही हैं? नहीं मैं तो नहीं घबरा रही। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बेहोश हो जाएंगी? नहीं मैं तो सही हूँ। सब ठीक है ना? हाँ। पाकिस्तान में अभी इस वक्त हमारे बहुत बुरी कंडीशन चल रही है। ये किसने कह दिया कि पति पत्नियों का दुख नहीं समझते? समझते बहुत अच्छे से समझते हैं कि पत्नी दूसरे की होने चाहिए। सही बात बोली। पत्नी दूसरे की होगी तो लोग क्या रखा जाता है। अगर तू झूठ बोलेगी तो तेरे पे पैसे नहीं होंगे, अगर तू सच बोलेगी तो तेरे पे पैसों की वर्षा होगी। ठीक है। अच्छा हाँ तो पूछो फिर। दो दो हजार के नोटों की उसकी वर्षा करवाऊंगा। ये बता तेरे कितने बॉयफ्रेंड है? एक भी नहीं। झूठ बोल रही है तू। सच बोल सच। छह बॉयफ्रेंड है। छह बॉयफ्रेंड एक पैसा। रुको जरा। मेरे साथ प्रैंक हो गया। बॉयफ्रेंड के साथ कितनी बार होटल गई है? एक भी बार नहीं। झूठ बोल रहा है। अगर तू देख सच बोलेगी तो अब की बार तुझे आईफोन का डब्बा और एयरपोर्ट्स फ्री। कल ही गई हूँ। सच बोल। कल ही गई हूँ। कल गई है? हाँ कल ही गई थी। जा वहाँ से डब्बा उठा के ला आईफोन का। जा झाड़ियों में पड़ेगा। फोन के लिए इतनी गिरी हुई है। मुझसे तो बोल के गई थी कल मैं डॉक्टर पे जा रही हूँ। वैसे भाभी जी आपकी अंग्रेजी बहुत फनी है। अंग्रेजी में तो हमें 69 आए थे। क्या वैसे 69 तो हमें भी बहुत पसंद है। समझ रहे आप तो समझ रहे। आपको कुछ लेने क्या 69? अरे नहीं भाभी जी, कब से तू कोशिश कर रहे हैं पर मिल ही नहीं रही है। ए हे रहा नहीं जाता। हम देंगे ना आपको 69। सच्ची? अच्छा धनतेरस में खुद के लिए आपको कुछ खरीदना हो तो आप क्या कर देंगे? गाड़ी। ठीक है। कौन सा? फॉर्चुनर। ठीक है समझ गया। फॉर्चुनर खरीदेंगे? वाह एक्सपेंसिव। हाँ सिर्फ आप फॉर्चुनर खरीदेंगे? कब खरीदेंगे बता दीजिए हमारी जनता। जब जॉब लग जाए। जब जॉब लग जाए तो पति मिल जाए। ये क्या हो रहा है? उम्र दी हौली हड़िए तू नहीं बच। गाड़ी पार्क होने वाली है। ये भाई सचिन में हेवी ड्राइवर है। सच
sounds of different planets from space. सूर्य पे और मरकरी पे, वेनिस पे, ये बिल्कुल सही है भाई। अभी इस चारों तरफ मतलब यही चल रहा है यहाँ पे इंडिया में जाकर के ना भाई, उल्टे में रहा है फिर लगाएंगे फुल स्पीड से जाएगा फुल स्पीड से गया भाई क्या कितनी बड़ी है हमारा तो बड़ा ये भाई दोस्त के साथ मतलब ये अपनी ये गर्लफ्रेंड है ये इसका दोस्त है शायद है ना इसको देख रहा भाई इसमें बहुत मजा आने वाला है नहीं ये इस कोटरी ले रही है ना अरे गाड़ी मत गाड़ी को पहनाने के लिए नहीं वाला बेबी को पहनाएंगे विकास मेरा नाम है डॉक्टर विनय ठाकुर और हमारी कंपनी ने ये नया बॉडी लोशन लॉन्च करा है आप जैसे युवाओं के लिए ठीक है समरिया तो अपना हाथ आगे लाओ ये देखो ये लगाओ हाथ पे थोड़ा सा मलो और मुंह पे भी लगाओ और बताओ इसकी खुशबू कैसी लगी बहुत बढ़िया सर बॉडी लोशन तो ये है ये तो मुट का सैंपल है Hey, y'all, come look at this. ये देखिए हमारे सुपर सांप है अगर इस सांप को पकड़ना ये सांप जैसा लग रहा है ना ऐसे करके सर जूते में सांप लगा है ऐसे करके इसके सर को पकड़िए और ऐसे करके उठाइए ऐसे करके पकड़ सकते हो और ये सांप प्लास्टिक की होनी चाहिए नहीं तो काट ले ये क्या कर रहे हैं बूफर सिस्टम है इसको जगाने की तैयारी कर रहे हैं क्या ऐसा मत करो मेरी जान लाइफ में कुछ अच्छा करो यार देख लीजिए नाइन्थ क्लास में पढ़ता है और गुटका चबा रहा है ना जी और गुटका खा रहे हो मर जाओगे तो शाहरुख खान मरबे नहीं किया तो हम कैसे मर जाएंगे बात तो सही है पढ़ते हो नाइन्थ क्लास में अपने कंट्री का नाम बताओ तो नरेंद्र मोदी कंट्री का नाम नरेंद्र मोदी गलत बोल रहा है क्या होगा हिंदी इंग्लिश में इंग्लिश में क्या बात है आपका नाम क्या है खुशबू अग्रवाल खुशबू जी क्या करती हैं आप मैं पढ़ाई करती हूँ कॉलेज में स्टूडेंट हूँ अध्यापक हूँ अध्यापक हैं या स्टूडेंट स्टूडेंट है स्टूडेंट है अध्यापक क्या होता है अध्यापक इज टीचर एंड स्टूडेंट इज विद्यार्थी हमको हम तो चौंक गए थे इतना कम उम्र के अध्यापक भाई अब ट्राई कर रहे हैं आपकी परीक्षा लेंगे आप लोग कि आप कितनी देर तक हिंदी बोल सकती हैं मैं पूछता हूँ आपसे भारत के बारे में कुछ बताइए भारत देश के बारे में आप जब विचार करती तो क्या विचार आता है आपके मन में भारत रंगीन देश है यहाँ पे क्या कहते हैं बहुत सारा स्वतंत्र हुआ था बहुत सारा स्वतंत्र 1947 क्या नाम है आपका हमारा नाम जितेंद्र सिंह भैया हाँ जितेंद्र जी ये बताइए ये दिवाली का शॉपिंग वगैरह कर लिए बिल्कुल शॉपिंग भी सब कर लिया पूरा घर भर दिया सब खुश है सब खुश है पटाखा लाए कि नहीं
नहीं नहीं पटाखा नहीं लाए, पटाखा से तो बहुत पॉल्यूशन होता है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, 15,000 की फुलझड़िया लाए हैं। अरे बाबा, अच्छा 15,000 फुलझड़ी लाए हैं। 15,000 का फुलझड़ी अगर आप उड़ाएंगे तो पॉल्यूशन तो उससे भी होगा ना। अरे वो पॉल्यूशन फ्री है, उससे पॉल्यूशन नहीं होता है। अच्छा पॉल्यूशन फ्री है, अब ऐसा कौन सा फुलझड़ी नहीं खिया जो पॉल्यूशन फ्री है। अरे भैया रशिया लाए हैं। एक करोड़ ओके। संस्कार उम्र से बड़े हैं इसके। इंस्टाग्राम में रील वाले देखो। कांग्रेचुलेशंस, आई लव यू। इंस्टा रीलर्स ऐसे कर दिया भाई, बोल लेना इसको क्या कर रहा है। इत्रा तंबा रिमिक्स the fucker man देखा कि स्वामी विवेकानंद ने बहुत बढ़िया घड़ी पहनी है, इतनी बढ़िया घड़ी तीनों लड़कियों की नजर थी। तो उन्होंने स्वामी जी को बोला, हे स्वामी अपनी घड़ी उतार के दे दो, नहीं तो यहीं चिल्लाएंगे कि तुम हमको छेड़ रहे थे। स्वामी जी जो है चुपचाप बैठे रहे। जब उन्होंने थोड़ा और आगे जाकर के बोला, स्वामी जी बोले, अच्छा अच्छा पढ़ लेता है, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता। उन्होंने लिख के दे दिया कि भैया सुनो मेरी अपनी घड़ी उतार के दे दो, नहीं तो सबको बता देंगे तो हमको छेड़ रहे हो। स्वामी जी ने जैसे ही पर्चा लिया जेब में रखा, बोला अब पुलिस को बुला लो, अब संभाल लो। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।